नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं संविदा शिक्षक वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसमें है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ है? उत्तराखंड। 1921 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ है? कर्नाटक में। नागर होल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी नेशनल पार्क किस नाम से जाना जाता है? केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो कहते हैं जंगली हाथियों के लिए, यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है एवं इसकी शुरुआत कब हुई? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में हुई। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह 7 से 8%। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो है एजी टांसली। आगे देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो है एडवर्ड सुयस ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको एक बार फिर से देख लें। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? 1966 में। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया? इसमें दर्शाया गया पिंक रंग से, गुलाबी कलर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? 2011 से 2020 वाले। रामसर संधि किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 22 मार्च को। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? सन 2002 में। इसी तरह आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और इससे कुछ संबंधित प्रश्न पूछने कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।